भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ किसान नेता व प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक्स पोस्ट पर चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार ने लगातार गन्ने की प्रोत्साहन राशि हर साल घटाई। बघेल पहले उस पर जवाब दें। श्री शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री बघेल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हर स्तर पर प्रदेश के किसानों के साथ छल कपट और धोखाधड़ी का कलंक लिए फिर रहे बघेल को अब किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने और प्रदेश के किसानों को दिग्भ्रमित करने में शर्म महसूस करनी चाहिए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब गन्ने की प्रोत्साहन राशि के विषय में किसी भी प्रकार का सवाल जवाब करने का अपना अधिकार खो चुके हैं। भूपेश बघेल जी गन्ने के प्रोत्साहन राशि के विषय में किसी भी प्रकार का सवाल जवाब करने का अपना अधिकार खो चुके हैं। उन्हें तो यह बताना चाहिए कि गन्ने का प्रोत्साहन राशि उन्होंने सन 2020-21 में 93 रूपये से घटाकर 84 रूपये क्यों किया, 21-22 में 84 रूपये से घटाकर 79 रूपये क्यों किया और 22-23 में 79 रूपये से घटाकर के 72 रूपये क्यों किया। श्री बघेल जी को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने वादा किया था कि धान का कीमत हम 2500 रूपये देंगे, लेकिन सन 19-20 में उन्होंने धान की कीमत मात्र 2435 रूपये दिया और 20-21 में उन्होंने धान का कीमत मात्र 2468 रूपये दिया। इस प्रकार किसानों से जो रूपया लूट लूट करके उन्होंने इकट्ठा किया, यह रुपया भी उन्होंने कहां किया, यह भी उन्हें बताना चाहिए। किसानों के साथ विश्वासघाती को किसी भी प्रकार का सवाल जवाब करने का कोई अधिकार नहीं है। उनके इन कृत्यों का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता ने इस पिछले चुनाव में दे दिया है।